बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम वाला है। दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट नासिर मारूफ। मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करता हूं ट्रैवल टिप्स के हवाले से। तो दोस्तों, मैंने एक वीडियो बनाई थी अभी कुछ दिन पहले, जिसके बारे में मैंने बताया था कि दुनिया में मुख्तलिफ ममालिक खुल चुके हैं और ख़ासकर बहुत सारी यूरोपियन कंट्री हैं जो खुल चुकी हैं, और कुछ आने वाले दिनों में, मतलब इस महीने के एंड में और आगे वाले नेक्स्ट मंथ के शुरू में खुल जाएंगी, मतलब 15 तक खुल जाएंगी। लेकिन बहुत सारी कंट्री ने यही डिसाइड किया है कि अगर आपने वैक्सीन लगाई हुई तो ही आप आ सकते हैं, अदरवाइज आपको आने की इजाज़त नहीं होगी। उसमें मुझे कुछ दोस्तों ने कहा था कि आपने कंट्रीज के नाम नहीं बताए, तो दोस्तों मैं चाह रहा हूँ कि कुछ ना कुछ आप खुद भी करें। अगर आपने वीज़ा अप्लाई करना है तो थोड़ा बहुत मखसमारी आप खुद भी करें। हम भी कोई हर एम्बेसी में जाके चेक नहीं करते, हम भी ऑनलाइन ये सारी चीज़ें चेक कर रहे होते हैं और वहीं से बहुत ज़्यादा मालूम इकट्ठी करते हैं। तो दोस्तों, आप लोग भी मुख्तलिफ वेबसाइट का विज़िट किया करें, और नेट पर बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल हैं, आपको किसी के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। आप दोस्तों से गुजारिश है कि आप लकीर के फकीर नहीं बने, ये सारी चीजें हैं जो आप खुद भी कर सकते हैं। तो जो मेन कंट्री खुली हैं, बहरहाल मैं अभी बता रहा हूं आप लोगों को, तो इसमें आपको सबको पता है कि फ्रांस खुल चुका है, यूक्रेन खुल चुका है और पोलैंड खुल चुका है, उसके साथ साथ और बहुत सारी कंट्री हैं जो खुल चुकी हैं, बल्कि मैं कुछ के नाम आपको और बता देता हूं। और उसमें ऑस्ट्रेलिया खुल चुका है, और उसके साथ साथ कुछ कंट्री, बेल्जियम खुल चुका है, और ब्राज़ील 30 जुलाई तक खुल जाएगा। इसी तरह और बहुत सारी, साइप्रस खुल चुका है, वो भी आप लोगों को पता है, और मैं भी यहाँ इसमें फिनलैंड खुलेगा जाके 15 जुलाई को, और ग्रीस खुल चुका है 15 जून को, ये भी खुल गया था, और उसके साथ साथ आइसलैंड खुल चुका है, ये भी 15 जून को खुल गया था, इटली 3 जून को खुल गया था। और इसके अलावा यूरोप के हवाले से कुछ और कंट्री हैं, जैसे कि, बल्कि मैं बताता चलूँ कि मेक्सिको भी, क्योंकि यूरोप में तो नहीं आता, लेकिन मेक्सिको भी 15 जून को खुल गया था, बल्कि इसके बारे में तो शायद मैंने बताया भी था किसी वीडियो में। और इसके अलावा और इसके साथ साथ पुर्तगाल खुल गया था 15 जून को, और उसके अलावा कुछ कंट्रीज और हैं, बहुत सारी कंट्री है जो खुल चुकी हैं और कुछ खुलने जा रही हैं। स्विट्जरलैंड खुल गया था 15 जून को, उसके बारे में भी यही था कि ये भी खुल गया है। थाईलैंड अगस्त में खुल रहा है। इसी तरह ये कुछ कंट्रीज हैं जो खुल चुकी हैं, इसी तरह कुछ कंट्री वो हैं कि इंशाल्लाह हार्डली अगले महीने तक खुल जाएंगी। स्मार्टफोन सभी के हाथ में, आप लोग चाहें तो खुद भी जो है ना ये सारी चीजें जो है ना वो कर सकते हैं, ढूंढ सकते हैं, इसमें कोई लॉजिक नहीं है कि हम लोग कहीं और से चेक करते हैं। तो दोस्तों बताइएगा ये वीडियो मेरी आप लोगों को किस तरह की लगी। अगर ये आपके लिए फायदा मंद है तो इसे जरूर आगे शेयर कीजिएगा दोस्तों के साथ, और अगर इसमें कोई खामी या कमी रह गई है तो उसके बारे में भी कॉमेंट्स करके जरूर बताइएगा। तो मैं इस दुआ के साथ आप तमाम दोस्तों से इजाज़त चाहूँगा, जहाँ भी रहें खुश रहें। अल्लाह हाफिज़।